नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश टेट यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज लाए हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल जो 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज, देखिए गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, 7 का गुणज मतलब 7 के पहाड़े में जो आता हो, और 84 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है जो 84 को पूरा काट दे, 84 को जो पूरा काट दे वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, जो 84 को पूरा काट दे, तो 84 को पूरा कौन काटेगा, एक तो 7 काट देगा, 7 दुना 14 पूरा काट देगा। 7 का गुणज मतलब होता है 7 का गुणज मींस 7 का पहाड़ा। ठीक है, 7 का पहाड़ा, सात्विक 21 से पूरा कट जाएगा, 84 सात चौक 28 से पूरा कट जाएगा, 7 पच्चीस 35 से नहीं कटेगा, 7 छंग 42 से और 84 से, इनसे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको जोड़ लेना है, जोड़ लीजिए, 7 4 11 11 1 12 8 20, 2 2 4 2 6 7, ये 70 आ गया। इन दो संख्याओं को आगे जोड़ लेते हैं, 4 2 6 8 4 12 हो गया, 6 7 2 9 और 1 196। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है, 196। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो भाज्य संख्याएं कौन सी हैं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं जिसके 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड। और अभाज्य क्या होता है, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो भाज्य संख्या जैसे यहाँ इसमें 4 है, कैसे, 4 को हम 1 से डिवाइड कर